बॉलीवुड स्टाइल में तो बिल्कुल नहीं करूंगा, बहुत नॉर्मल स्टाइल से करूंगा जैसे इसको किया था। आशा आई लव यू यार, तेरे पापा को फोन ले, बहुत प्यार करता हूं तुझसे यार। तो गाइस हाँ भाई हाँ, वो जो लड़का है वो मैं हूँ, और तो आप लोगों को ये स्टोरी सुनाने वाला कल की बात है, मतलब कल की बात है। स्टोरी टेलिंग मुझे कुछ भी करके स्टार्ट करना था, और इससे बढ़िया टॉपिक हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कल हुआ है, तो मैं आज सुना रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैन। एंड हाँ, आपको वीडियो के लास्ट में ऐसा सस्पेंस मिलने वाला कि आप लोग खेलने वाले हो, मतलब बॉलीवुड से भी अच्छा, बहुत अच्छा सस्पेंस है ये। तो हुआ ये कि जो मेरे साथ लड़की थी, मतलब है, वो हमने डिसाइड किया कि हम गरबा के लिए जाएंगे, एंड उसको लेके गया मैं ड्रेपरी शॉप पे। तो उधर उसने गरबा का कॉस्ट्यूम लिया, तो मैंने ऑफकोर्स नहीं लिया क्योंकि वो मुझे नहीं पहनना था बहुत, मतलब नेक्स्ट ईयर ट्राई करूंगा क्योंकि ये गरबा मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम किया था, तो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस ही इतना यादगार, मतलब शानदार, लगातार मस्त हुआ, तो क्या क्या बोलूँ क्या यार। तो हमारे गूगल मैप भाई साहब को देखते देखते हम उधर चले गए, और उसका नाम था कल टेरा लॉन्स। तो उधर हम गए, एंड मस्त लोकेशन था, बहुत ही अच्छा लोकेशन है। तो जब गए तो उसने, आशा ने ऑफकोर्स मुझे कहा कि मेरे फोटोज निकालो, तो मैंने भी कहा मेरे भी फोटोज निकालो, जीआईएफ निकाले, इंस्टा पे टू स्टोरीज डाली, लाइव गए, मतलब हवा हवा की पहले तो, क्योंकि लड़के ऐसे होती है, और लड़के भी होते हैं थोड़े बहुत, मतलब अच्छे। तो बहुत सारा डांडिया खेलने के बाद हम लोग थक गए, एंड उधर गए तो 200 रुपए की फ्रूट प्लेट थी, और 50 रुपए का जो अपना नॉर्मल ग्लास रहता है ना घर में, उतना कोक था। तो हमने डिसाइड किया कि हम पानी लेंगे, लेकिन पानी लेने के बाद हुआ ये कि पानी 50 रुपए का, जो हमने एक सिरप लिया तो उसका टेस्ट सेम ही था ऑफकोर्स। तो उसके बाद बहुत ऑब्जर्वेशन उन्होंने शायद किया होगा हमारा, हम बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, बहुत अच्छा डांडिया खेल रहे, डांडिया तो मुझे आने रहा था, वही करवा रही थी मुझसे, तो किया मस्त डांस वगैरह कर रहे थे, और साथ में अच्छे भी लग रहे थे। एंड तो उधर ऐसे अवार्ड्स थे, बेस्ट कपल, बेस्ट ड्रेस, बेस्ट ग्रुप्स एंड बेस्ट डांसर्स। तो उसमें से बेस्ट कपल और बेस्ट डांसर का अवार्ड मिल गया आशा को और मुझे। उधर आए थे शरण सोभानी, रोडीज के एक्सट्रीम का बंदा, तो उसको भी मिले, तो वीडियो देख लो पूरा। तो उनको मुझे प्रपोज करने के लिए बोला ऑन स्टेज, मतलब आशा को मुझे प्रपोज करना था ऑन स्टेज। तो हम तो ठहरे एक्टर लोग भाई, जिधर अपॉर्चुनिटी मिली उधर टूट पड़े। तो कुछ ऐसा हुआ। So, मैं जब से आई हूँ, मैं बोलूँ आशा और दिनेश सबको मिली, बट जब से ये आई हूँ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि स्टार्टिंग से ये डांस कर रहे, मेरे सामने यहाँ पे डांस हो रहा था, मैं इतना इंजॉय करके ये डांस कर रही हूँ, मुझे समझ था कि भाई ये अपनी शादी में डांस कर रहे हैं, नहीं ओके हाँ लाइक दिस। तो मैं आपको एक मौका दूंगी यहाँ पे उनको प्रपोज कर देना, तो कैसे करेंगे? देखो बॉलीवुड स्टाइल में तो बिल्कुल नहीं करूंगा, बहुत नॉर्मल स्टाइल से करूंगा जैसे इसको किया था। आशा आई लव यू यार, तेरे पापा को फोन ले, बहुत प्यार करता हूँ तुझसे यार। आप सब लोगों की दुआ बहुत ही क्या क्या बोलूं। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत सबने एंजॉय किया, ऐसा भी तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आशा को मैंने प्रपोज किया, एंड फुल पब्लिक को भी मतलब मजा आ गया, जैसे आप लोगों को मजा आता है मेरे वीडियो देखते, ऑफ कोर्स नहीं आता है मुझे, मुझे बताओ कमेंट में। लेकिन सस्पेंस बाकी है गाइस, प्राइज मिला शारवन के हाथ से, एंड वो बंदा भी ऐसे झुक के उसने प्राइज दिया मुझे, और बोला कि मान गया भाई देखो मैं। तो वो जब आशा और मैं सब हो, मतलब इवेंट वगैरह हो गया सब, वो जब वापस आ रहे थे, गाइज सस्पेंस आने वाला है हाँ, तो बहुत ऐसे बहुत हंस रहे थे गाड़ी पे, बहुत मतलब चिल्ला चिल्ला के दोनों हंस रहे थे, क्योंकि आशा और मैं सगे भाई बहन है। नो नो नो, दोनों हंस रहे थे, और मतलब क्योंकि सबका हमने काटा था यार उधर दोनों ने, क्योंकि ना यार कैसा है ऑलरेडी हमको, मतलब देख के सब लोग ऐसे इमेजिन कर ही लेते कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो तो मेरी प्यारी बहना है, फूलों का तारों का मैं सबका कहना है, 1000 में मेरी आशा बहन है। और ऐसा भी नहीं, नहीं था यार, हमने कंटिन्यूस उधर 3.5 घंटा मतलब पूरा हम गरबा डांस बिंस कर रहे थे, इसलिए लोगों ने हमें देखा और प्राइज दिया, ऐसा भी नहीं, लेकिन डिजर्विंग थे हम लोग, लेकिन भाई बहन थे।
तो हुआ कि ये कि वो डायरेक्टली स्टेज पे बुलाया एंड अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, तो मैंने भी हाँ मिला दी एंड तो इसलिए बात किसी से शेयर नहीं की। पूरे पब्लिक के साथ हमने उस दिन प्रैंक किया, मतलब कल, और ये वीडियो पोस्ट करने के बाद मतलब सबको पता चल जाएगा और इवेंट वाले सोचेंगे यार ये तो भाई बहन है, तो क्या आदमी, मतलब क्या तो कुछ ऐसा कुछ किस्सा हुआ हमारे साथ, तो बहुत मजा आया उधर। एंड प्राइज भी लेके हम घर पे आ गए, तो प्राइज में निकला अपना वो कांच के गिलास और कांच का जग, तो भाई बहुत मस्त लगा वो कोर्स, क्योंकि मेहनत का प्राइस था, एंजॉयमेंट का प्राइस था, सबका प्राइस था, बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड उधर मैंने बोला भी था कि तेरे पापा को बोल दे कि शादी भी दी, अरे मतलब दोनों के पापा तो एक ही है तो क्या फर्क पड़ता है, तो इसलिए इतना कॉन्फिडेंस था। मतलब उधर के कुछ बंदे से हाथ मिला रहे थे, वो बोल रहे थे भाई नहीं नहीं भाई गट चाहिए, मैं भी उनको बोल रहा था अरे भाई क्या बताओ अभी घर जाके इसकी बाप मेरी वाट लगाने वाला है तो उनको भी बहुत अच्छा लगा था। लेकिन ऑल ओवर इवेंट भी मस्त, एकदम सही था। एंड ऐसा लगता है कि सबने एंजॉय करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं, लेकिन भाई कुछ तो ऐसा हटके करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्या बोलते हो? अगर हाँ है तो कमेंट में बता दो कि क्या आपने हटके लाइफ में कुछ किया है, ऑफ कोर्स बताना यार। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और हाँ नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी एंड बाय, लव यू ऑल। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। You serious?